अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियंस, मैं हूं शेख जवार जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमद सना रब्बुल इज़्ज़त की दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा? 13 से 19 जून वीकली हॉरोस्कोप है और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी तरफ से जो एक बड़ी अच्छी खबर है वो पहले आपको दूंगा। सियारगान की पोजीशन तो बाद में आपसे बात होगी। आज हमने पिछली वीडियोस में अनाउंस किया था कि आपके लिए हम एक प्रोग्राम ला रहे हैं आपके सवालों के जवाब के हवाले से। उस प्रोग्राम के हवाले से आपसे जो है वो डिस्कशन हुई थी। अब इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को फाइनल कर दिया गया है। नेक्स्ट वीक से आपके सवालों के जवाब जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। ज़रूरी होगा इसके लिए कि आप जो है वो इसी वीडियो के नीचे अपने सवाल जो है वो लिख सकते हैं। कोई भी सवाल जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये टीम ने सिलेक्ट करने हैं कि किस किस को हमने कौन कौन से सवाल है। जितना अहम सवाल होगा उतना बेहतर हो, और मुख्तसर और जामे एक सवाल आप कोई भी जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये भी पता होगा कि आप अपने बारे में अगर पूछना है तो फिर डेट प्लेस टाइम के साथ रब्ता कीजिएगा। अदरवाइज जो है वो शायद आपके कमेंट्स जो है ना वो आपके सवाल जो इसमें ऐड ना कर पाए हम। और इंशाल्लाह आपको जल्दी ही इसके नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब करके तो बेल बटन को ज़रूर पुश कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको पता चले कि आपके सवालों के जवाब कब आ रहे हैं। वीकली हॉरोस्कोप, सबसे पहले बताऊं, मैंने अक्सर वीडियोस में कहा कि सबसे अहम चीज़ होती है आपका अपना रूलिंग प्लैनेट। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मार्स है जो कि जनवरी से जो है वो नेगेटिव चल रहा है। मैंने अपने जब मैं पिछले साल रिकॉर्डिंग्स करवा रहा था ये लिए हॉरोस्कोप्स की, तो मैंने स्कॉर्पियंस के लिए कहा था कि आपके लिए पहले जो 6 माह हैं ये बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन उससे अगले 6 माह आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो गुजरने वाले। और एग्जैक्टली यही पोजीशन जो है वो अब बन गई। 11 जून से मार्स आपके जायचे के 10वें घर में, गुड लक के घर में, आपके गुड लक में इजाफा करने के लिए आया। ये आपके कैरियर रोजगार का जो है वो घर है, और आपके 6ठे घर का भी लॉर्ड यही है, यानी आपकी सेहत, आपकी मुलाजमत, तमाम चीज़ें आपकी जो है वो बेहतर होने जा रही। लेकिन सबसे जो मेन फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। आप अपनी पर्सनैलिटी में जो गिरावट महसूस करते थे अब वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो 6 महीने में आपने काफ़ी सारा इसको कवर कर लिया, और उन लोगों को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जिन्होंने मेरे कहने पे प्रॉपर तरीके से सरकार दी और विद वज़ाइफ की, उनको तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। लेकिन वो लोग भी अब इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे जो कि पहले ये नहीं कर रहे थे, और वो उन लोगों की तो अब बात ही अलग हो जाएगी ना जो पहले इसकी नेगेटिविटी को ब्रेक कर रहे थे। अब वो पॉजिटिविटी जब लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस जो है वो इसके हासिल कर सकेंगे। आपके 10वें घर में आया है, सो ये आपके कैरियर रोजगार के ऊपर बहुत अच्छे साथ मुरतब करेगा। आपके सीनियर के साथ आपकी रिलेशनशिप को बेहतर करेगा। 10 जून वाला जो कमरी ग्रहण था उसकी नेगेटिविटी को ब्रेक करने के लिए भी यही आपको मार्स जो है वो बेहतरीन हेल्प जो है वो करेगा। कारोबारी तौर पे आप स्ट्रांग हो सकेंगे, कैरियर रोजगार के हवाले से नए फैसले कर सकेंगे, अपने काम पर पहले से कहीं ज्यादा तवज्जो जो है वो आप दे सकेंगे। इसी तरह आपके छोटे बहन भाई भी आपके कारोबारी मामलात में आपकी अच्छी हेल्प जो है वो कर सकेंगे। 10वां घर आपकी सुशाल फैमिली भी है, आपकी मदर इन लॉ से रिलेट करता है, 10वां घर आपके फादर से रिलेट करता है, तो इन तमाम जगहों से भी अब आपको गुड वेव्स जो है वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। मार्स बुनियादी तौर पे फोर्स है, पावर है, और ये आपको ज़्यादा पावर देगा। आप पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने कैरियर को ऊपर लेके जाने के लिए, नए डिसीजन होंगे और आप उनको डिसीजंस को मद्देनजर रखते हुए अपने कैरियर को जो है बेहतरीन तरीके से बूस्टअप जो है वो भी कर सकेंगे। पब्लिक में आपका इमेज बेहतर होगा, इनर फीलिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर होती चलेंगी। नए जॉब मिलने की उम्मीद जो है वो बहुत ज़्यादा है। पहले मैं आपसे कह रहा था कि जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, लेकिन अब मैं आपसे कहूँगा कि मार्स के यहाँ पे आ जाने से आपको नई जॉब्स जो है वो ऑफर होंगी, और अब आपके लिए इनको एक्सेप्ट करना बहुत ही बेहतर जो है वो इंशाल्लाह आपके लिए रहेगा। अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल सकेंगे जो कि आपके कारोबार को तरक्की दे सकें। को वर्कर्स से आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इसमें ज़हन में ये भी रखिएगा कि आपकी जो एनिमीज़ हैं अब वो भी स्ट्रांग होती चली जाएंगी और वो आपके अगेंस्ट कुछ एक्टिव भी होते चले जाएंगे। इस चीज़ पे आपको मद्देनज़र रखना होगा। उसके बाद
खाना माल का हाकिम सैयारा और पांचवें घर का हाकिम सैयारा जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में, माली पोजीशन तमाम हफ्ता आपकी बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह रहेगी। इसमें इस्तेकाम आएगा, आप एक से ज़ायद बिजनेस की तरफ भी मूव कर सकते हैं, आपकी जहानत में इजाफा होगा और आप अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए अपनी माली कंडीशन को बेहतर करते चले जाएंगे। बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। स्कॉर्पियंस के वो कपल्स जो के औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, आपको कोई गुड न्यूज़ जो भी है वो भी इस वीक में इंशाल्लाह मिल सकती है। इसके बाद आपकी लव लाइफ में बेहतरी आएगी, आपकी इंगेजमेंट तय पाने के इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन होंगे, आपकी एजुकेशन स्केल 12 से 14 की इसमें भी आपको जो है वो कंफर्ट जोन में आप इंशाल्लाह जा सकेंगे। इसी तरह आपकी हायर एजुकेशन, आपकी स्पेशलाइजेशन, उसमें भी आपको काफ़ी बेहतरी जो है वो देखने को मिलेगी। बच्चों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, उनके साथ आप जो है वो नॉलेज शेयरिंग भी करेंगे और कुछ आप जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ और जिसको कहते हैं कि खेल खेल में सीखना, तो इंटरटेनमेंट में भी अब आप बहुत कुछ जो है वो दीन और दुनिया दोनों चीज़ों के बारे में इसको सीख सकेंगे। इनामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी ये आइडियल टाइम है, आप जो है वो इनामी स्कीमों में जो है वो पार्टिसिपेट भी कर सकेंगे। इसके बाद आपकी शादी तय पाने के इम्कान भी बहुत ज़्यादा रोशन है, ससुरालीज़ोकारब के साथ आपके जो स्पाउस हैं उनके साथ भी आपके ताल्लुक बहुत अच्छे रहेंगे और इसी तरह बैरून मुल्क सफ़र की आपकी राहें भी जो हैं वो भी खुल चुकी हैं और आप ग्रेजुअली जो है इस मामले को में आप बेहतरी जो है वो फील करते चले जाएंगे। बेहतरीन जेमस्टोन आपके लिए मरजान, दी बेस्ट आपके लिए मरजान है। अगर आप अपने कैरियर रोजगार को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी जॉब को, अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो भी आप मरजान पहने और उसके लिए हमारी वेबसाइट javajam.com आप विजिट कर सकते हैं, बेहतरीन जेम कलेक्शन वहाँ पर आपके लिए मौजूद है। बिल्कुल इन पर आपको कहने लगा हूँ, वो हमारे अहबाब जो कि इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, आपके लिए ये बेहतरीन टाइम है कि आप इमिग्रेशन अप्लाई करें। लेकिन मैं आपको एक मशवरा भी दूंगा, बेहतर होता है कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले या इमिग्रेशन अप्लाई करने से पहले आप ये देख लें कि क्या आपको इमिग्रेशन मिल भी सकती है या नहीं, आपके जायचा पैदाइश में इसकी गुंजाइश मौजूद है। बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो ये चीज़ें देखते ही नहीं और अप्लाई कर देते हैं, उससे क्या होता है वो अपना टाइम और पैसे दोनों चीज़ें वेस्ट करके दो दो तीन तीन साल इंतज़ार करने के बाद उनको रिफ्यूज़ल मिल जाता है। सो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप जो है वो इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो के बारे में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।